पटना में नए एयरपोर्ट का निर्माण अब बिहटा में ही होगा। बिहटा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग और सिटी साइट के लिए 8.44 एकड़ जमीन की अड़चन खत्म हो गई है। इतनी जमीन के लिए बिहार सरकार ने 16 करोड़ 32 लाख की राशि जिला प्रशासन को दी है। हालांकि जिला प्रशासन 3 महीने में यह जमीन अधिग्रहित कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को देगा। बिहार सरकार से जमीन मिलने की हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का भी चयन कर लिया है। कॉलियर्स नाम की यह कंसल्टेंसी टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करेगी, साथ ही वह एयरपोर्ट का प्लान व्यू भी तैयार करेगी। इससे साफ हो गया है कि बिहटा में ही एयरपोर्ट बनेगा। कई साल से बिहटा की जगह छपरा और नालंदा में एयरपोर्ट बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि 800 करोड़ की लागत से बनने वाले बिहटा एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन बनाने के लिए 6 साल पहले नागरिक विमानन मंत्रालय और बिहार सरकार ने घोषणा की थी। 2022 में ही इस एयरपोर्ट को बन जाना था। अभी सालाना 25 लाख यात्रियों की क्षमता रनवे बढ़ जाने पर 50 लाख की हो जाएगी। अभी बिहटा एयरपोर्ट का रनवे 8200 फीट है और इसकी सालाना क्षमता 25 लाख है। एयरबस 120 और बोइंग 737 इंटरनेशनल विमानों के ऑपरेशन के लिए रनवे की लंबाई 12000 फीट होनी चाहिए।